चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। जश्न मना रहा है पूरा देश और भारत ने इतिहास के पन्नों पर अपना सुनहरा नाम दर्ज कर दिया है और इस पल का स्कूली छात्राओं और अध्यापक भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। चांद पर लैंडिंग हो गई है और अब भारत का झंडा लहरा चुका है और बच्चों और अध्यापकों में भी खुशी की लहर है। टोटल न्यूज के संवाददाता राहुल सहजवानी ने क्या रिपोर्ट दी है, जरा वो देखते हैं। इतिहास के पन्ने में भारत ने एक और जीत दर्ज करी है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद, जहां पूरा देश गौरवमयी इतिहास को सुनहरे अक्षरों में जो है उन्होंने कैद किया। तो वहीं ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चों ने भी इस जो पल है इसको कैसे इन्होंने जो है कैद किया और यहाँ पर जो है इंडिया का जो फ्लैग लहराते हुए यहाँ पर जो है बच्चे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो खुशी है बच्चों में वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आती है। बच्चों के जो टीचर्स हैं वो भी जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक ये जो पल है ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल है भारत की, एक जो सुनहरे जो सफल लैंडिंग हुई है चंद्रयान की। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री भी संबोधित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो नया जोश जो है बच्चों में वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टीचर्स भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? और विमल जी, एक सुनहरा पल आज जो है भारत ने दर्ज किया, क्या कहना है? भारत वर्ष के लिए, पूरे हम नागरिकों के लिए एक बहुत ही गर्व का आज समय है कि हमारे भारत वर्ष के चंद्रयान ने अपना फतेह किया है चांद को और वहां पर हमारा तिरंगा लहराएगा। आज बहुत ही गर्व का विषय है हर एक नागरिक के लिए, भारत के बहुत ही हर्षोल्लासित है हम सारे, और हम ही नहीं हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे, पूरा यमुनानगर आज पूरा जश्न मना रहा है, इस अवसर को पूरा जश्न मना रहा है। आज हमने देखा सर थोड़ी देर पहले जब सब लैंडिंग हो रही थी बच्चों में भी काफी उत्साह था, एक जो सस्पेंस रहता है वो क्रिएशन जो थी वो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी। अब वो ऐतिहासिक जो पल है वो कहीं ना कहीं दर्ज हो चुका है, इंडिया का फ्लैग वहां पर लहराएगा। बच्चों ने इस क्षण को कैसे महसूस किया इसके बारे में? बच्चे आज सुबह से ही बहुत ज्यादा उत्साहित से सुबह से ही उसके लिए पल पल प्रतीक्षा में थे कि ये पल जल्दी से आए और आज आ गया है और हम बहुत खुश है। भारत पहला देश है जिसने साउथ पोल के ऊपर हमारे देश का तिरंगा जो लहराया, हमारा देश का आज हम सारे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत ही बच्चे खुश हैं इस मामले में सभी, पूरे भारतवर्ष में कोई भी देश अभी तक जो है झंडा नहीं फहरा पाया था और ऐसे में ना ही लैंडिंग कर पाया था, लेकिन भारत एक ऐसा देश बना है जिसने वहां पर इंडिया का फ्लैग वहां पर लहराया जाएगा और सफल लैंडिंग हुई है। यहां पर एक सर और मौजूद है, सर आपका नाम? डॉक्टर अनुज गर्ग। डॉक्टर अनुज जी, कैसा लक्षण है, कैसा माहौल फिलहाल यहाँ पर? मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे विश्व में भारत ने हर चीज में अपना नाम कमाया हुआ था और आज जो एक जगह रह गई थी, आज चांद में भी भारत ने जो है अपना नाम लिख दिया। पहले भी हमने कोशिश की थी सिर्फ, लेकिन 15 सेकंड के अंदर ही हम वहाँ पे फेल हो गए थे, लेकिन इस बार तो हमने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जबकि हमारे से पहले रूस ने कोशिश की थी लेकिन रूस वो काम नहीं कर पाया जो इंडिया के वैज्ञानिकों ने जो काम करके दिखाया है। ये बड़े गर्व की बात है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमें अपने देश के ऊपर पूरा गर्व है और भारत माता की जय। शिक्षा मंत्री की अगर बात करें, एक स्पेशल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि बच्चे जो हैं इस क्षण को जो है अपने स्कूल रूम्स में देखेंगे और इस ताकि उनको भी जो चीज़ है समझ आए, देश के बारे में पता लगे, उसके बारे में क्या कहना है? मैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने सभी हरियाणा के पूरे स्कूलों के बच्चों को आज ये लाइव टेलीकास्ट दिखाएं, और वैसे भी सारे चैनलों पर एक इसका लिंक भेजा गया था ताकि पूरे हरियाणा का एक एक बच्चा ये देख सके कि कैसे भारत ने ये अचीवमेंट हासिल की है। ये बहुत गर्व की बात है और स्पेशल थैंक्स टू एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा, धन्यवाद बात करने के लिए। तो चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, हर कोई जो है यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहा है। मैं एक बार आपको फिर तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगा कि बच्चों में कितना जोश था और यहाँ पर जब सफल लैंडिंग हुई बच्चे भी यहाँ पर जो है क्लैपिंग करते हुए नजर आए थे और इतिहास के इस पन्ने को उन्होंने जो साक्षी बने हैं वो कहीं ना कहीं एक गौरव वाली बात जो है देश के लिए, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी गई है। क्योंकि इससे पहले भी जब चंद्रयान वहां पर पहुंचा था लेकिन असफल रहा था, लेकिन अब सफल लैंडिंग होने के बाद
कहीं ना कहीं अब बच्चों में काफ़ी खुशी है और इस चीज़ को जो है इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो शुभकामनाएं उन्होंने दी थी वो कहीं ना कहीं अब जो कई जगहों पर अगर बात करें, पूजा पाठ चल रहा था, बच्चे जो थे वो भी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आई है। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सजवानी, टोटल न्यूज़।